हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक एंड सर्व। आज मैं आपके साथ तंदूरी रोटी बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। सबको तंदूरी रोटी पसंद होती है, लेकिन आजकल क्या है कि सब बिजी हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तंदूर को जलाएं और उसको तपाएं, उसमें बहुत सारा लकड़ियाँ वगैरह डाल के उसको गर्म करें। और दूसरी बात यह है कि परिवार भी बहुत छोटे होते हैं। अब रोटियां तो घर में 6 या 7 चाहिए होती हैं और उसके लिए इतना सारा काम करो, वो भी ठीक नहीं रहता। तो आप घर पे तंदूरी रोटी कैसे बना के इंजॉय कर सकते हो, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले भी मैं एक तरीका शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग तवे पे कैसे बना सकते हैं, लेकिन तवे पे एक एक रोटी बनाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपके साथ 4 रोटी तंदूर की इकट्ठी कैसे बना सकते हैं उसका तरीका शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, ये रोटियां मैंने पहले बेल के रख ली हैं, क्योंकि वो मैंने वीडियो इसलिए नहीं शूट की क्योंकि वो नेचुरल है। हम सब लेडीज़ को पता ही होता है, सिंपल आटा मैंने गेहूं का लिया, उसको गूंद लिया और उसकी बेल कर रोटी बना लिया। ये रोटी का बस सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि ये जो हम लोग रूटीन में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी रखनी है। इनकी जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पर मैं पानी लगा लूँगी। यहाँ पर देखिए, ये मैंने कुकर को गर्म कर लिया है और इसको मैंने 4-5 मिनट अच्छे से गर्म कर लिया है। और अभी मैंने क्या करना है, इसको मैं टिल्ट कर लूँगी ऐसे करके। ये देखिए पूरी तरह से गर्म हो चुका है, ये देखिए। और अभी मैं इसमें जो रोटी है हमारी वो लगा दूँगी। ये देखिए, और फिर इसको ऐसे घुमा लूंगी और एक रोटी और लगा दूंगी। ये देखिए 2 हो गई हैं, और फिर और ये तीसरी हो गई, और यहाँ पर मैं चौथी लगा दूंगी। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो प्रेशर कुकर है इसको मैं इसके ऊपर ऐसे टिल्ट करके उल्टा कर दूंगी और स्लो कर दूंगी फ्लेम थोड़ी सी। अभी हम लोग इसको उठाकर देख लेंगे कि क्या हाल है। ये देखिए रोटियां कैसे अच्छे से फूल रही हैं, ये देखिए सारी बहुत अच्छे से फूल रही हैं। अभी हम लोग और इनको हीट देंगे। जो बाकी का पार्ट है वो मैं इसको ऐसे करके कुकर में से ऐसे करके चिमटे की हेल्प से ये ऐसे करके उतार लूंगी, ये देखिए, और इसको ऐसे करके पका लूंगी। जितनी थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो मैं ऐसे करके इनको पका लूंगी। ये देखिए हमारी फुली फुली तंदूरी रोटी बनी है, बिल्कुल तंदूर जैसी, बल्कि ज़्यादा अच्छी ही बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। उम्मीद आपको ये मेरा रोटी बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।